हेलो डियर स्टूडेंट, सीकर सिखाते रहो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास सिक्स की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक नंबर तीन, वर्कशीट नंबर तीन का रिवाइज करेंगे, जो कि डेट है 14/7/2021। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट ये है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस पढ़ना है। ठीक है, आपकी तीन बुक डिवाइडेड है, उसमें आपको स्टडी करनी है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, उपविषय हमारा नगर प्रशासन के कार्यों की समझ। यानी ये नगर प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा मतलब है पॉलिटिकल। ठीक है, यानी पॉल साइंस से रिलेटेड ये पूरी वर्कशीट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गतिविधि वन दे रखी है, आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किन किन सदस्य पर है। देखो, हमारे घर में सारे काम करते हैं और सारे अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, कोई कुछ करता है, किसी मतलब घर में कैसे जो काम डिवाइड है, काम को एकदम बांट रखा होता है। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे हमें सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या लिखनी है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और घर के कार्य लिखने हैं कि कौन क्या काम करता है, जिस सदस्य जिस पर वह काम की जिम्मेदारी है। ठीक है, उस सदस्य का नाम जो वह काम करता है। फॉर द एग्जांपल मैं अगर उदाहरण से बताऊं तो आपको यहाँ पे मैं लिखूं कि पापा। ठीक है, पिताजी अगर हम लिखें, पिताजी लिखें, तो पिताजी क्या करते हैं, वह ऑफिस जाते हैं। ठीक है, घर के जो हमारा सारा पैसे है, जो आय है, उसकी जिम्मेदारी करते हैं। ठीक है, वो उस कार्य को करते हैं। देन सेकंड में लिखूं मैं माता यानी मेरी मम्मी। ठीक है, तो अगर हम माता की बात करें तो वो घर का खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, ये सब बातें। ठीक है, अगर किसी की मम्मी या किसी की मदर जॉब करती है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं थर्ड में आऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूं कि बच्चे, तो बच्चे मम्मी की मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम काम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लास्ट वाला आप खुद करेंगे, आप थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, अपने घर में आसपास देखिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, देन आप इसको खुद करेंगे। देन इसके बाद आता है हमारे पास गतिविधि सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पता कीजिए निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। ठीक है, अब आपको खुद पता करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आता है गली में लगी ट्यूबलाइट खराब होने पर बदलना। अब जो गली में लगी ट्यूबलाइट है वो खराब हो जाती है तो उसे कौन बदलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो है लोग नगर प्रशासन। ठीक है, नगर प्रशासन, प्रशासन मतलब होता है इसकी इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी जो सारे सरकारी काम होते हैं उसका लेखा जोखा तैयार करना, सारी सरकारी काम करवाना। ठीक है, जनता के भलाई के लिए जनता की मदद करवाना, वो कौन करवाती, वो है सरकार। ठीक है, सरकार करवाती है। अब यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बात है, सरकार का भी अलग जिम्मेदारी होती है, उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, द सेकंड पे आता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन, वो एक शहर के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद आता है हमारा, सबसे नीचे आता है हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो कि गांव में होती है, प्लस शहरों में होती है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका जिसको हम कहते हैं MCD। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MCD। तो उसके सारे काम है। तो शहर में आपकी गली में जो ट्यूबलाइट खराब हो चुकी है उसको बदलाव कौन करेगा, MCD के अधिकारी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके घर के आसपास गलियों तथा सड़कों को ठीक करना व सफाई, नई सड़क बनाना। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन करते हैं, MCD के अध्यक्ष या फिर अधिकारी। ठीक है, जो जनता की भलाई करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमें टूटी में हमारा नल में पानी आता है तो वो पानी कहाँ से आता है, वो जो सप्लाई आती है वो MCD के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है पूरी गलियों में। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आते हैं आपके घर में पानी पीने की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी MCD की होती है। इसको आप नगर निगम, नगर पार्षद या नगर निगम लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगर निगम पार्षद अध्यक्ष या नगर निगम अधिकारी। उसके बाद है आपके मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। ठीक है, जैसे सफाई कर्मचारी किसके थ्रू आएगा, वो भी नगर निगम पार्षद के थ्रू आएगा।
उसके बाद है आपके मोहल्ले के पार्कों का रखरखाव भी नगर निगम, जो आपके उस एरिया में आप रह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी उस ऑफिस व्यूअर की होती है। ठीक है, संपत्ति का एक तरफ करने वाला कार्य भी, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसका जो लिखावट बनावट जो सारे सब कुछ कार्य होते हैं ये भी नगर पालिका करती है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं अपने माता पिता व अध्यापक से पता करें। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन और हमारे ऐड हो गए यहाँ पे। अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम बताओ और उसके दो कार्य बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने गलियों में आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे, आप जिस इलाके में रहते हैं तो अगर आप गूगल करेंगे आप अपने इलाके का नाम बोलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे शास्त्री नगर के जो निगम पार्षद है, ठीक है, अधिकारी है, वो है बबीता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बबीता निगम पार्षद है, उसके दो कार्य है। वही हमने बताया कि ये आप इसी में से भी देख सकते हैं कि मोहल्ले के पार्कों का रखरखाव की जिम्मेदारी प्लस अपने मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी उसके हाथ होती है। ठीक है, तो सेकंड पे आता है हमारे पास अपने क्षेत्र की विधायक का नाम। अब विधायक की बात करें तो विधायक निगम पार्षद में आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, देखो नगर पालिका MCD यानी नगर निगम या नगर पालिका के दो मोटिव होते हैं। एक होते हैं हमारे विधायक, ठीक है, जो वोट डले थे, जो वोट चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे, उसके अकॉर्डिंग विधायक चुनकर आता है। ठीक है, विधायक के नीचे स्तर पर होती है निगम पार्षद। ठीक है बेटा, तो निगम पार्षद यहाँ पे नीचे होती है। तो आप निगम पार्षद को हमें बबीता, जैसे मेरे इलाके की बबीता शर्मा है तो मैं वहाँ पे डालूंगी, प्लस विधायक निगम पार्षद से ऊपर, तो यहाँ का विधायक यानी शास्त्री नगर का विधायक है सोमदत्त। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोमदत्त डाल दूंगी, नाम लिख दूंगी। पर उसके दो कार्य लिखने, उनके दो कार्य वही दो कार्य की घर के आसपास की या गलियों में सड़कें ठीक करवाना, नई सड़क बनवाना, प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपके घर में पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।